अजम जेनयोगा का बुक टू पेज नंबर 112 में ग्लैमर ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज टू ईगो, अपने ईगो से जब हम बॉन्डेज से अलग हटते हैं तो उसमें एक ग्लैमर होता है। बड़े बड़े गुरुओं को हम जब देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि इनकी तरह हम भी किसी दिन बड़े गुरु हो जाएंगे और मन करता है वैसा बनना, क्योंकि हीरोज़ और फिल्म स्टार के तो लोग खाली ऑटोग्राफ चाहते हैं, गुरुओं के तो पैरों में लोग लेट जाते हैं, तो मन करता है हम भी ऐसे ही हों। बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस हों हमारे पास, बड़े बड़े पॉलिटिशियन फिल्म स्टार्स हमारे आके पैरों में बैठे हैं, इस तरह की जो इच्छाएं हैं हमारे आत्मा। और ये तो फिर भी छोटी इच्छा है, इससे भी बड़ी इच्छाएं आती हैं जब आप मिस्टिकल पावर्स को हासिल करते हैं, और वो है मिस्टिकल पावर्स को दिखाना कि लोग आपको सचमुच का भगवान समझें। लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इसी ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। पास है, मैं वहां पर गया था, एक गुरुजी उनकी, जब मुझे मालूम पड़ा कि उनके पास मिस्टिकल पावर्स है, तो मैं गया भी था देखने, तो उनके पास पावर्स थी। तो बहुत से लोगों के पास और भी नीचे वाले पावर्स आ जाते हैं, एंड दीज अकॉर्डिंग टू योगा आर कॉल्ड सिद्धीज, इनको योग में सिद्धीज बोलते हैं। और साइकिक पावर्स, वाइल्स डोज ऑफ सेवन सेंटर्स आर रिकॉग्नाइज एज आत्मन इन इटसेल्फ, लेकिन जो सेवन सेंटर पर पहुंचता है उसको सिद्धियां सिद्धीज की तरह लगती भी नहीं है, उसको लगता है तो जैसे छोटी मोटी चीज है, जैसे हमारे लिए चलना फिरना सुनना बोलना, इसको शो ऑफ थोड़ी करेंगे। मैं बच्चे के साथ श्रीश के साथ शो ऑफ करूँगा क्या कि मुझे तुमसे ज़्यादा काम आता है, मैं तो कार चला लेता, तुम कार नहीं चला पाते हो, बेवकूफ़ी होगी। लेकिन करते हैं लोग, जो नए नए कार चलाना सीखते हैं वो दिखाते हैं। एक बार मुझे याद है, मैं था शायद फोर्थ में, फिफ्थ में था या शायद थर्ड में था, और एक भैया आए, वो टेंथ में थे, तो बोलते हैं तुम क्या पढ़ते हो, टेबल्स पढ़ते हो, तुम्हें पता है हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम तो मैथ्स में 1 2 3 4 के अलावा इंग्लिश भी पढ़ते हैं मैथ्स में। क्या भैया, बोलते हाँ A+B, उसके ऊपर 2 लिख देते हैं, कभी सोच सकते हो तुम। बाद में मुझे पता चला था वो फेल हो गए थे अलजेब्रा में 2-3 बार। लेकिन शो ऑफ करने में क्या जाता है, कुछ तो आता ही था उनको। तो जो भी चीज़ हम नई नहीं सीखते हैं ना, उसको हम शो ऑफ करने का मन करता है, अंदर में एक खालीपन होता है ना, उस खालीपन को उस शो ऑफ से भरने की कोशिश करते हैं। बट अ वेरी फ्यू फॉरगेट दिस वार्निंग दैट इट इज अ ट्रेचरस स्टेज, ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, बहुत ही कम लोग इस वार्निंग को याद रखते हैं कि जो मिस्टिकल पावर्स का स्टेज है ये बहुत बहुत खतरनाक है। ये ऐसा ही है जैसे आप जंगल में जा रहे हैं और वहां पर सब जगह शेर हैं, आपको मना किया गया है कि इस जंगल में इस रास्ते से चलोगे तो शेर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लगता है लालच है, इसको ले लूं वो ले लूं वो ले लूं, ऐसा स्टेज है ये। All but very few forget this warning and so are held as revolving satellites. इसीलिए बजाय सेंटर में पहुंचने के सैटेलाइट्स की तरह रिवॉल्व करते रहते हैं, उस सेंटर के आसपास पहुंचेंगे पर धीमे धीमे। उसने दिखाया था जब छोड़ दिया तो बॉल सीधे नीचे पहुंच गई जहां पर लोहा था, और फिर उसने गोल गोल फेंका तो गोल धीमे धीमे पहुंची, वही चीज़ धीमे धीमे पहुंची। तो जो लोग के पास मिस्टिकल पावर्स आ जाती है, शो ऑफ करना यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है भाई, तो धीमे धीमे पहुंचोगे आप वहां पर। लेकिन प्लीज ध्यान रखिए, वो धीमे धीमे बहुत बार बहुत धीमे हो जाता है, करोड़ों साल लग जाते हैं, करोड़ों जन्म भी लग जाते हैं। नहीं, बुद्ध बोल रहे थे ना, सोतपन्ना तो खाली 7 ही जन्म में पहुंच जाएगा, लेकिन बाकियों को पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। हैप्पीनेस इमोर्टैलिटी में बोल रहे थे। इफ दिस न्यू स्टेज वर द डेस्टिनेशन, अगर सही में यही मिस्टिकल पावर्स ही तुम्हारी डेस्टिनेशन होती, इट वुड बी वेल एंड गुड, बट दिस न्यू बॉन्डेज इन अ फील्ड दैट इज नॉट इंटेंडेड टू होल्ड अस फॉर एवर, लेकिन ये केवल एक बॉन्डेज है, ये नया बॉन्डेज है, और ये तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए वहां नहीं रहना है। द पावर्स ऑफ सेलुलर मॉलिकुलर एंड मॉलिकुलर प्लेन्स आर ग्रेट, बट इट मीन्स ओनली एक्सचेंजिंग वन लेस इक्विप्ड पर्सन प्रिजन फॉर बेटर इक्विप्ड एंड मोर लग्जूरियस वन। होता भी है ऐसा, गरीब आदमी को अगर होटल में भेजा जाए, बड़े होटल में रखा जाए, तो बेचारा, उसके लिए तो वही स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग में जो लोग नौकरी करते हैं उनसे पूछिए, उनके लिए तो जेल है। तो ये जो भी आदमी पहली बार मिस्टिकल पावर्स पाता है वो उसको ऐसे ही ट्रीट करता है। आप प्लीज मत करिएगा, ये सब क्यों बता रहे हैं कि आप इस ग्लैमर के चक्कर में मत पड़िएगा। द पावर ऑफ सेलुलर, ये पावर बड़ा ही वो होता है ललचाने वाला,
कंपेयर्ड टू द सेलुलर स्ट्रक्चर, इस बॉडी के स्ट्रक्चर के, बॉडी के स्ट्रक्चर एंड अवेयरनेस, द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड अवेयरनेस इज इंडीड वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम. बिल्कुल, जहाँ पर बॉडी से फंसे हैं आप, यहाँ से कहीं दिल्ली जाना हो तो आपको चलना पड़ेगा, लेकिन आप मॉलिक्यूल में तो आप आँख बंद करके वहाँ पहुँच सकते हैं. तो ग्रेट फ्रीडम है एंड वंडरफुल इंडीड, बट इट इज ओनली अ स्टेशन ऑन विथ ऑन द वे एंड नॉट द डेस्टिनेशन. इट इज़ नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ एंड बर्थ. ये लास्ट नहीं है, ये एंड नहीं है. और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप वहां से उल्टे गिर करके नीचे आ सकते हो. शुड आवर डेस्टिनेशन बी समथिंग एल्स, अगर हमारा डेस्टिनेशन कुछ और हो जाए, एंड इफ वी फाइंड अ सर्टन स्टेशन ऑन द वे, वंडरफुल. और आप जा रहे हैं दिल्ली से बंबई, बंबई के बीच में आपको कोई अच्छा वंडरफुल स्टेशन लग गया तो क्या आप वहां उतर जाओगे? वी डू नॉट ड्रॉप आउट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड सडनली डिसाइड टू स्टे एट द स्टेशन. ऐसा थोड़ी करते हैं कि हम स्टेशन पर रुक जाते हैं. If we do, it speak of us of a weak mind. अगर ऐसा हम करते हैं, इसका मतलब हमारा माइंड कमजोर है. And a life without plan or purpose, इसका मतलब यह है कि आपने अपनी लाइफ में अभी भी एक प्लान और पर्पज डिसाइड नहीं किया है कि मैं अल्टीमेटली एंड तक पहुंचना चाहता हूं. तब वही तो लोग होंगे जिन्होंने बुद्धा के पास आकर के कहते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मलोक में पता नहीं कौन कौन से लोग से बुद्धा के पास आकर के लोग डिस्कस करना चाहते थे कि बताइए क्या है, सच क्या है. वो लोग कौन होंगे? ऐसे लोग होंगे जिनके पास मिस्टिकल पावर्स आई और वो उसके चक्कर में पड़ गए. इन एनी केस दिस स्टेज इज नॉट वॉट वी हैव टू रीच अल्टीमेटली एंड इफ वी आर सिंसियर टू द फॉर्मूला. एक फॉर्मूला दिया गया है, एक जनोगा ने फॉर्मूला दिया है हम लोगों को. दो तीन फार्मूलाज मुझे मिले हैं और बहुत पावरफुल फार्मूलाज हैं. परसों मैंने देखा मार्जिन कॉल. आपने देखा है मार्जिन कॉल? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ देखिएगा इस पिक्चर को. पूरी बोरिंग पिक्चर है, लेकिन अगर कोई अपने करियर को सीरियसली समझना चाहता है तो इस पिक्चर को जरूर देखिएगा. लीमैन ब्रदर्स कैसे ख़त्म हुई, उस पिक्चर की कहानी है. और वो आदमी नहीं देख पाएगा जो थोड़ी भी अंग्रेज़ी नहीं जानता, बिकॉज मेरे पास तो अंग्रेजी में पड़ी है. बहुत मुश्किल था उसमें लीमैन ब्रदर्स में. कल बताया था मैंने, लीमैन ब्रदर्स का जो एसेट्स थे, जो उनके पास रुपए पैसे का अकाउंट सिस्टम था, इतना कॉम्प्लेक्स था कि उसको करने के लिए एक रॉकेट साइंटिस्ट टाइप का एक लड़का था, जीनियस मैथ्स का, उसने उसको क्रैक किया. तब जाके इनको मालूम पड़ा है इनकी कंपनी खत्म हो रही है. और जब मालूम पड़ा है कंपनी खत्म हो रही है तो उन्होंने उसको धोखे से और लोगों को बेच दिया. लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, उस लड़के ने रॉकेट साइंटिस्ट था, उसके पास फॉर्मूलाज रहे होंगे इस चीज को क्रैक करने के. ठीक ऐसे ही फॉर्मूलाज मुझे सहर जी ने दिए हैं तीनों बुक्स में. मैं उन फॉर्मूलाज को निकाल करके बड़े बड़े फॉर्म में लिखूंगा, उसके हेड जो भी किताब के हम लोगों की हेडिंग रहेगी, फ्रंट पेज रहेगा, उसमें लिखेंगे. उसमें से एक फॉर्मूला ये है, वट इज द पर्पज ऑफ लाइफ एंड बर्थ. अल्टीमेट पर्पज क्या है इस बॉडी का? कोई मुझसे पूछ रहा था कि जेनुगा का पर्पज क्या है. ये हमको खुद को पूछना पड़ेगा कि क्या ये बॉडी पर्पज है, क्या मिस्टिकल पावर्स पर्पज हैं, कि कुछ और है. बुद्ध ने ये चीज पूछा था. एंड वी शैल नॉट गेट ट्रैप्ड बाई सच स्टेशन ऑन द वे एंड विल कंटिन्यू गोइंग. और हम तब इस जादू चक्कर के पड़े में नहीं पड़ेंगे. बहुत से अच्छे अच्छे गुरुज भी हुए जो इन सब चक्कर में नहीं पड़े. कृष्णमूर्ति उसमें से एक थे, बुद्ध उसमें से एक थे. इनके पास सारी मैजिकल पावर्स थी, बट ये उसके चक्कर में नहीं पड़े, यूज नहीं किया कभी भी. कृष्णमूर्ति बोलते थे कि अगर इसको मैं यूज करना शुरू करता हूँ लाइन लग जाएगी खाली इसी की. लोग अपने आप को हील कराने आएंगे, लोग जादू चमत्कार कराने आएंगे. वी शैल नॉट गेट ट्रैप्ड बाय स्टेशंस एंड विल कंटिन्यू गोइंग हाउ एवर प्लेजेंट द स्टेशन ऑन द वे मे बी. चाहे कितना भी खूबसूरत स्टेशन हो, लेकिन वहां रुकना नहीं है. मोस्ट एस्पिरेंट्स नॉट ओनली थिंक दैट दे हैव अराइव्ड but also that the junior MD, that the sixth center, is the chairman, while in fact he is even below the senior MD. Naam diya hai, chairman, MD, senior MD, janbujh ke aisa diya hai taki hum usko samajh sakein. Ab main kya bataun yaar, jitne bhi spiritual books aap padhenge na, usme itna confusion hai ki hum log usme ghoom sakte hain, gol gol baatein kar sakte hain saalon saal tak. Aur aapke paas agar rupya paisa hai to aap isi ko logon ko bol bol ke aapke follower bhi ban jayenge और कन्फ्यूजन बना रहेगा. इसीलिए इन्होंने बहुत क्लियरली इसको अलग अलग किया है कि जब मिस्टिकल पावर्स आता है तो सिक्स सेंटर है और इसके ऊपर भी कोई चीज़ है. और 99% लोग यही सोचते हैं कि जब मेरे पास मिस्टिकल पावर आ गया मतलब मैं भगवान हो गया, यही होगा भगवान. सच पर्सन्स डिस्क्राइब दीज ऑन द वे स्टेशन एट ग्रेट लेंथ इन द प्रोज एंड पोएट्री एंड प्यूपल्स दैट दे फाइंड आर ऑल्सो मिसलेड. दो सच एस्पिरेंट्स बी ऑनेस्ट फॉर दे फैमिली दे फर्मली बिलीव दैट दे हैव नाउ रीच देयर डेस्टिनेशन. उनकी भी गलती नहीं है. वो बेचारे फिर जब ऐसे में जाते हैं ना तो कविताओं में, पोएम्स में, तो वही तो स्क्रिप्चर्स बनी बैठ रखी हुई हैं जिसकी लोग पूजा करते हैं.
मंदिर बनाते हैं, अपने नाम पे मंदिर बनाते हैं, गुरुओं की फोटो रख दी जाती है उस पर बेचारे, और फिर उनके फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, वही बोल रहे हैं बेचारे, वो फर्मली बिलीव करते हैं वो चीज़। हम भी तो फर्मली बिलीव करते हैं बॉडी के ऊपर कि हम यही हैं, तो जब इस बॉडी में ताकत आएगी तो हमको लगेगा हाँ मैं ही हूँ शायद भगवान, तो शायद मेरी पूजा होनी चाहिए दुनिया में। लेकिन सोचिए ये कितना वियर्ड थॉट लगता है, मैं ही हूँ भगवान, मेरी पूजा क्यों, अगर भगवान भी हो तो पूजा क्यों। जब तक हम बॉडी हैं कोई आया हमारे पास बोलने के लिए कि मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो? नहीं, जो रियल गॉड टाइप की एनर्जी है वो आती नहीं है किसी को दिखाने के लिए, शो करने के लिए। इफ द डेस्टिनेशन वर सो नियर एंड सो ईजी ऑफ एक्सेस देन पुअर इंडीड इज दिस एंटायर क्रिएशन एंड दिस पर्पज। बोल रहे हैं इतना आसान भी नहीं है यार कि बस जादू की शक्तियाँ मिली और तुम पहुँच गए। द ग्लैमर ऑफ दिस स्टेज इज सो ग्रेट, इस स्टेज में फंसने के इतने ज़्यादा चांसेज हैं दैट एस्पिरेंट्स मे स्टे देयर फॉर ऑलमोस्ट एन एटर्निटी टिल सच टाइम वन इन्फॉर्म्स देम। एटर्निटी मतलब पता नहीं कब तक आप उसमें फंस जाएंगे, तब जाकर के पता नहीं कब कोई आकर के आपको याद दिलाए भैया तुम फंसे हो, ये जेल है। ऐसी भी बातें हुई हैं उसमें, इसमें बुद्ध से बहुत लोग आकर के पूछते हैं हम इस जेल से कब निकलें। दे देन अगेन रियलाइज द न्यू बॉन्डेज एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट। फिर वो लोग नया स्टार्ट करते हैं वहां से। इन पोएटिक लैंग्वेज अगर पोएम में बोला जाए, येट अनदर दे एंजॉय द स्पेशियस ग्लोरियस ऑफ ग्लोरीज ऑफ पैराडाइज, नेवर द लेस वेन देयर मेरिट इज एग्जॉस्टेड दे आर बॉर्न अगेन टू दिस वर्ल्ड ऑफ मॉर्टल्स। बेचारे जब उनका सब मेरिट्स, उनकी अच्छाइयाँ जब खत्म हो जाती हैं तो फिर से मॉर्टल्स की दुनिया में, इस दुनिया में पैदा होते हैं और फ्रेश स्टार्ट करते हैं। शुड आवर एम बी फ्रीडम फ्रॉम दिस बॉन्डेज, अगर ध्यान रखिएगा बॉन्डेज से अगर हमारा फ्रीडम एम है, एट नो स्टेज लेट आवर एम बी रिलेटिव। ये रिलेटिव वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर रिलेटिव वर्ड नहीं यूज किया या नहीं समझा, हाँ मैं सर तेज हूं, बहुत पढ़ने में तेज हूं, कैसे पता? अनिल से तेज हो गया ना, बस फंस गए किसी चीज के रिलेटिव में, आप अपने आप को देख रहे हैं। अगर तुम्हारा फ्रीडम किसी चीज से रिलेटिव है, एक्सेप्टिंग एनीथिंग लेस देन कंटिन्यूअस प्रोग्रेस टिल द एब्सोल्यूट फ्रीडम अचीव्ड, कैसे मालूम पड़ेगा एब्सोल्यूट फ्रीडम? बहुत सिंपली बुद्ध ने कहा है, नाउ परफेक्टेड वन इज फ्री, आपको मालूम पड़ जाएगा, इसे पेट भरता है तो मालूम पड़ जाता है ऐसे ही। तो जब तक वो फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं मिलती है, तब तक प्रोग्रेस के बीच में रुकना नहीं है। एंड इफ दिस रिक्वायर्स एन एफर्ट, आवर एफर्ट टिल द एंड ऑफ द टाइम एंड आवर वेटिंग टिल द एंड ऑफ द क्रिएशन, फॉल्टर नॉट। चाहे पूरी जिंदगी लग जाए, चाहे दुनिया के एंड में मिले, तब भी फॉल्टर मत करिए। डू नॉट एक्सेप्ट इवन आउट ऑफ एग्जॉशन एनीथिंग लेस देन आस्ट फॉर, वर्क फॉर, एम दैट। ऐसा भी मत करिए कि थक गए यार आप, नहीं आप नहीं चल सकते थकावट की वजह से, एक्सेप्ट मत करिए। जो चीज़ आपने चाहा है, जिसके लिए काम किया है, वही चीज़ के लिए चलते रहिए। वी अश्योर यू, और मैं आपको, सहर जी बोल रहे हैं, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ दैट सच अनफ्लिंचिंग डिवोशन, इसको डिवोशन बोलते हैं अपने पर्पज़ के लिए, इस तरह का जो डिवोशन आपके अंदर आएगा, सच सुप्रीम ड्यूटी, इस तरह की जो ड्यूटी आप अपने लिए पैदा करेंगे, टू योर सेल्फ इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट किया जाता है by not by people, and even suns and stars and galaxies give way if required to get out of your path so that you may progress. ब्रह्मांड अलग अलग पीछे हो जाएंगे और आपके लिए रास्ता देंगे, जाओ भाई इसको तो वही चाहिए। जैसे लालच बच्चों को दीजिए, आपको पता है मार्शमेलो टेस्ट हुआ एक, जिसमें उन्होंने, साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों को एक कमरे में रखा और कुकीज रखे कि एक तुरंत चाहिए तो एक ले लो, और अगर 5 मिनट वेट किया तो 2 मिलेंगे। कुछ बच्चों ने तुरंत लिया, कुछ बच्चों ने बाद में लिया, लेकिन जिन बच्चों ने बाद में लिया, उन बच्चों को जब 20 साल 30 साल बाद देखा गया तो ज़्यादातर बच्चे सक्सेसफुल थे, तुरंत कुकीज़ नहीं लेते थे। तो पेशेंस रखिए, यहाँ पर भी रखिए, कुकीज़ का वेट करिए। फॉर इंस्टिंक्टिवली ऑल क्रिएशन कैन सेंस दिस वन सुप्रीम पर्पज और अर्ज, दो मोस्ट ऑफ द क्रिएशन इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट इन एज मेनी वर्ड्स बट विल नो बाई इंस्टिंक्ट, अ पर्सन हु सीक्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल बॉन्डेज। क्रिएशन में हर चीज़ आपको पहचान जाएगी कि आप किस, क्या चीज़ चाहते हैं। कोई अगर सेक्स चाहता है तो आपको देख करके मालूम पड़ जाता है कि आप सेक्स चाहते हैं। कोई अगर पैसा चाहता है तो आप देख करके बता सकते हैं ये तो खाली पैसे का लोभी है। इसी तरह से अगर किसी को अल्टीमेट फ्रीडम चाहिए तो नेचर समझ जाती है कि इसको अल्टीमेट फ्रीडम चाहिए और उसको रास्ता दे देती है। लास्ट में एक सीरियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं सहर जी, अपने आप से पूछने के लिए कह रहे हैं, टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग, व्हाट इज प्रेयर?
जो मंदिर में घंटा बजा के करते हैं वो है। हाउ कुड इट बी मेड इफेक्टिव टू वर्क इंस्टेंटली, क्या कोई तरीका है कि प्रेयर फटाक से काम करे अभी का अभी? करिए देखिए क्या होता है। अभी लखीमपुर में एक बहुत फेमस डॉक्टर की डेथ हुई है, बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, बहुत पुरानी डॉक्टर थी यहाँ पे, उनका आज एक पूजा पाठ भी था उनके यहाँ, हम लोग गए थे उनको मिलने के लिए। बता रहे थे कि खुद डॉक्टर हैं, ऑलमोस्ट 70-75 साल की हैं, और करीब 10-15 साल पहले उनको हार्ट अटैक आया था, तो लोग डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर, काफ़ी लखनऊ के हॉस्पिटल में, दिल्ली के हॉस्पिटल में गए थे, कोई डायग्नोज नहीं कर पाया, तो फिर पुणे में किसी डॉक्टर ने डायग्नोज किया, तो उसको फिर दवाइयाँ वहाँ चली और एक छोटा सा प्रोसीजर किया था, उसको बोलते हैं कैथेटराइजेशन, तो उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिल गया। फिर जब उनको दिक्कत हुई तो फिर से डॉक्टर के पास गई, तो एक और प्रोसीजर किया, इसको बोलते हैं कार्डियोवर्जन, इसमें बिजली का झटका की मशीन देते हैं छोटी सी, वो हार्ट में लगा देते हैं, तो उसमें हार्ट का जो रिदम है उसमें नॉर्मली तो आदमी का हमारा आपका बिजली का झटका देता है ना, अपने हार्ट खुद ही देता है उसको, ताकि वो ऐसे ऐसे मूव कर सके, वो बिजली से ही होता है, इलेक्ट्रिकल करंट से होता है, लेकिन जब वो डिस्टर्ब करता है तो फिर हम लोग बाहर से लगाते हैं उसको, कार्डियोवर्जन लगाते हैं, तो वो जब से लगाया तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर एक साल के बाद वो अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई। जब लगाया था कार्डियोवर्जन, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर स्ट्रोक हो गया था उनको, पैरालिसिस हो गया था, एक तरफ का बॉडी पार्ट काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर साहब उनके बेटे थे जो उनसे बात कर रहे थे, तो बात करते करते बताने लगे कि मेरी मम्मी इतनी अच्छी डायनेमिक लेडी थी कि लड़ाई झड़े खूब डांटती थी, बहुओं को डांटती वाड़ती थी, खाने की खूब शौकीन थी, बुढ़ापे तक में भी अगर उनको लौकी की सब्ज़ी दे दी जाए तो वो डांटती थी, मुझे नॉनवेज खाना है, उनको एंजॉय करना अच्छा लगता था, हम लोग भी सोच रहे थे हाँ चलो अच्छी बात है, और पैरालिसिस से ठीक होकर के चलना फिरना शुरू कर दिया उन्होंने, और फिर फाइनली उनकी अभी करीब 1.5 महीने तक तो ICU में थी, वहाँ लखनऊ में PGI में थी, अब फाइनली उनकी डेथ हो गई। अब वो कहाँ गई होंगी, क्या मरना चाहती रही होंगी? नहीं मरना चाहती थी, लेकिन हम लोग भी नहीं मरना चाहते। लोग कहेंगे कि उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी अच्छे से जी ली और ज़िंदगी जीने के बाद, एक सक्सेसफुल ज़िंदगी जीने के बाद अपना घर परिवार छोड़ा और अब किसी अच्छी दुनिया में गई होंगी, लेकिन बुद्ध या रमण महर्षि जैसे लोग इस चीज़ को ऐसे नहीं समझते, वो इस चीज़ को एक बीमारी की तरह लेते हैं, इसको एक ये नहीं मानते कि अरे यार ये तो है ही, होता ही है, ट्रेंड नहीं मान लेते, बहुत स्ट्रिक्टली उनके उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि डेथ क्यों, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें डेथ जैसी बीमारी हमको कभी ना हो। जो आदमी इस चीज़ को क्वेश्चन लेकर के अपना स्पिरिचुअल जर्नी नहीं कर रहा है उसके लिए, सहर जी बोल रहे हैं हु इज दैट, Who is he that is wrapped in sleep? वो कौन है जो नींद में सोया हुआ है? And who is he that is awake? हमारे अंदर कौन जगा हुआ है? What lake is that which continuously oozeth away? ऐसी कौन सी एक लेक है हमारे अंदर में जिसमें से हमेशा जिंदगी निकलती रहती है, आती रहती है? इसी बॉडी के अंदर में वो चीज़ है, क्योंकि ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं होती तो हम मरे हुए होते हैं, डेथ हो जाती है हमारी। और अगर इस बॉडी, ये बॉडी ना हो और अगर वो चीज़ आ जाए किसी की बॉडी में, बच्चे की बॉडी जो बनती है तो वो चीज़ उसके अंदर घुसती है, तो वो चीज़ जब आती है तो वो ज़िंदगी पैदा करती है, वो अपने आप हाथ पैर सब बना देती है। वॉट इज़ दैट विच अ मैन मे ऑफर इन वर्शिप टू द लॉर्ड, और क्या चीज़ है जो एक आदमी ईश्वर को, अगर कोई दुनिया में ईश्वर होता है तो उसको ऑफर कर सकता है अपनी प्रेयर में? वॉट इज़ दैट सुप्रीम स्टेशन टू विच दाउ विल्ट अटेन, वो कौन सा लास्ट सबसे बड़ा स्टेशन है जिसको तुम अचीव करोगे, पहुंचोगे? सहर जी कह रहे हैं अलास, बड़े दुख की बात है, लेंथ ऑफ डेज डूथ मोर ऑफन मेक आवर सिंस द ग्रेटर देन आवर लाइफ द बेटर। ओह, हमारी जो रोज की दिन होती है ना सुबह से लेकर शाम तक, वो हमको ज्यादा परेशान, हमारे लिए ज्यादा गलत, ज्यादा दुख क्रिएट करती हैं बजाय कम दुख के। उस दिन मैं और श्रीश स्विमिंग पूल में थे और शीश बोलता है पापा देखो मैं जादू करता हूँ, मैं वेव्स पैदा करूँगा, तो उसने पानी में हाथ मारा और वेव्स पैदा हो गए। स्पिरिचुअल बुक्स ये कहती हैं कि हम लोग भी वेव्स पैदा करते हैं, पता है किस चीज़ के? कर्मों के वेव्स पैदा करते हैं। भाई साहब आज आ रहे थे, फ़ोन पे बात करते करते
यहाँ से वी मार्ट से इधर आ रहे थे और फ़ोन पे बात करते करते आ रहे थे। मान लीजिए इसी में किसी की बुराई कर दी उन्होंने, किसी की अच्छाई की हो, किसी दुकानदार से मिले हों, किसी का दुकान में कुछ खाना खाया हो और उसका खाना इनको पसंद नहीं आया, तो उसको ऐसी मन में कुछ बुरे बुरे थॉट्स रख दिए हों, तो वो जो बुरे बुरे थॉट्स हैं वो एक तरह का कर्मा है, एक तरह का वेव्स है। श्रीश ने जो वेव्स पैदा किए, एक आध वेव्स नहीं पैदा हुए, उसने खूब ढेर सारे वेव्स पैदा किए, हाथ से मारा, फिर वेव्स ही वेव्स थे पूरे स्विमिंग पूल, बहुत देर तक वेव्स वेव्स थे, खत्म ही नहीं हो रहे थे वेव्स, एक वेव खत्म होता तो दूसरी वेव आ जाए। कर्मों को भी लोग वेव्स की फॉर्म में कहते हैं, कभी खत्म ही नहीं होता हमारा। तो हमारे दिन जो सुबह से शाम तक बिताते हैं वो हमको अच्छाई देने के बजाय, हमारे लाइफ को अच्छा करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा वेव्स पैदा करती है कर्मों के। That we had spent but one day in the world thoroughly well, कोई ऐसा एक दिन है जिसमें हम एक दिन बहुत अच्छे से जी करके, जिसमें कि वेव्स पैदा ना हो। There are many who have earned the right to freedom from bondage from the flow of life. इस स्विमिंग पूल से निकल जाए तो कम से कम स्विमिंग पूल में तो वेव्स रहेगा, हमारे वजह से स्विमिंग पूल में वेव्स पैदा नहीं होगा। कृष्णमूर्ति बोल रहे थे ना कि what of that man who gets out of the stream, बल्कि मैं उसमें कार्टून देख रहा था शीश के साथ, बेंटेनिसन कार्टून है, उसमें एलियंस बनता है बार बार बेंटेन, तो उसमें बातचीत में बोलते हैं कि अरे तुम अगर ये एलियन बन जाओगे, ये बटन दबेगा तो ये हो जाएगा और तुम इस टाइम के स्ट्रीम से बाहर निकल जाओगे, फिर तो तुम खत्म हो जाओगे, यू हैव टू बी इन द टाइम स्ट्रीम जिसमें टाइम होता है। बड़े पॉजिटिवली बोल रहा था, लेकिन मैं उसको सुन करके यही सोच रहा था, टाइम के स्ट्रीम में तो चाचा बॉडी खत्म हो जाती है, मर जाती है, बीमारी होती है। टाइम के स्ट्रीम से बाहर क्या होता है, वेव्स नहीं बनती, कर्मास का वेव्स तुम्हें टच नहीं करता। बहुत से लोगों ने अपने आप को राइट, अपने आप को ऐसा बनाया है कि उसको आज़ादी मिल गई है इस, जहां पर कर्म बनते हैं, इस फ्लो ऑफ लाइफ से, जहां पर बॉडी है, सेंसेशंस हैं। मैनी हैव बार्टर्ड देयर न्यूली अर्नड फ्रीडम फॉर बॉन्डेज ऑन द एस्ट्रल एंड मेंटल प्लेन्स, यही मैं कल बोल रहा था। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फ्रीडम जब मिली, जब मॉलिकुलर वर्ल्ड में उनको थोड़ी ताकत मिली, उनको मिस्टिकल पावर्स मिले, तो उसको बार्टर की तरह यूज़ करते हैं दूसरे बॉन्डेज के लिए। बार्टर मतलब तुमने कुछ कमाया तो उसको दे दिया, गिरवी दे दिया। शराब पीने के लिए लोग पैसे कमाकर शराब दे देते, पैसे देते हैं, शराब ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोग मिस्टिकल पावर्स जब पाते हैं अपनी तपस्या की वजह से, किसी भी कारण से, पुराने जन्मों के कर्म की वजह से, तपस्या की वजह से, उसको जाकर के मॉलिकुलर प्लेन में अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए बार्टर के दे देते हैं, मेंटल प्लेन्स और ऊपर के प्लेन्स में भी। जब लोग कहते हैं ना कि मुझे गुरु बनना है, लोगों को लाइफ में चेंज करना है, एक अपने आप को जब भगवान महसूस करना है और करवाना है, तो फंस गए। बट वॉट आर दीज न्यू टर्म्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग, ये जो एस्ट्रल और मेंटल, इसको जेनुका बोलती है मॉलिकुलर और इलेक्ट्रॉनिक, ये कौन से नए टर्म्स हैं? आर दीज एरियाज समवेयर फार अवे इन आर गैलेक्सी और सम अदर डिस्टेंट गैलेक्सी? ये जो मॉलिकुलर और एस्ट्रल वर्ल्ड चीज़ें हैं, ये हमारे ही दुनिया में हैं या किसी और गैलेक्सी में हैं? Perhaps it is not exactly so, शायद ऐसा नहीं है। Perhaps our scientists will say that our astronauts have found not such, no such existing areas. शायद हमारे जो साइंटिस्ट हैं इसको सच नहीं मानेंगे, शायद, बट क्या पता। It is to be noted that sixth center, which we call the junior managing director, हमारे अंदर में जो molecular body जो form होती है उसको, तब हमारा body sixth center से control होता है, जिसको junior MD के form से नाम से दी बोलते हैं, is responsible for guiding the eye center, वो हमारे बुद्धि को guide करता है। इसीलिए जब कृष्णमूर्ति ऐसे लोग बात करते हैं तो उनकी बातें उनको समझ में नहीं आता, लगता है सही है लेकिन समझ में नहीं आती। However, unassumingly, the seventh center or the senior MD keeps helping both eye center as well as junior MD, that is sixth center, who do not realize this fact and feels they are solely responsible for all progress. चाहे कोई कितना भी सोचे कि मैं कर रहा हूँ, आपका मॉलिकुलर वर्ल्ड में पहुँचे और आपकी ताकत आ गई, केवल आप नहीं कर रहे होते, आपका सीनियर बॉस है सेवेंथ सेंटर, जो एक्चुअली आपको हेल्प कर रहा है और आपकी बुद्धि को भी हेल्प कर रहा है। However, it so happens that after a time, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत क्या होता है पता है, the seventh center or the senior MD stops helping the present person crossing the critical certain stage, find himself in rather enters that which we call glamorous stage of occult powers in yoga. जब भी आदमी occult powers हासिल करता है तो glamorous stage में चला जाता है, जहाँ पर चीज़ें दिखा सकता है लोगों को, चमत्कारी शक्तियाँ दिखा सकता है।
मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन आया था, एक बच्चे ने मुझसे फ़ोन किया, बोलता है सर मैंने ऐसे गुरुजी को देखा है जो अपने आप को गायब कर सकते हैं हवा में, और वो सच बात है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और बहुत से लोगों ने इस तरह के स्टेजेस में लोगों को देखे हैं, ये ग्लैमरस स्टेज है। बोलते हैं बहुत से लोग ग्लैमरस स्टेज में मिस्टिकल पावर्स को दिखाने की स्टेज में फंस जाते हैं। अ स्टेज ऑफ अर्ली फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, जब आप शुरू शुरू में अपनी बॉडी से फ्री होकर के अपने आप को खोजा होता है आपने, विथ इनसफिशियंट इंटेंसिटी टू ब्रेक अवे फ्रॉम द पुल ऑफ द फ्लो ऑफ लाइफ रीचिंग अ डेस्टिनेशन। आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखा जिसमें जेफ बेजोस का इंटरव्यू हो रहा था, उसमें उनकी कंपनीज के बारे में बातचीत करी थी, और अचानक किसी ने बात की उनकी एक खास कंपनी है जिसमें वो स्पेसशिप्स बनाते हैं। वो और टेस्ला, सॉरी ये हमारे इलॉन मस्क, ये दो लोग प्राइवेट सेक्टर में स्पेसशिप्स बना रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं। लोगों ने पूछा कि क्यों बना रहे भाई, तो गवर्नमेंट का काम है, बहुत महंगा काम है। तो बोलते हैं इसलिए क्योंकि पिछले 70 जब मैं 70s में जब नासा वगैरह लॉन्च करते थे, तब साल में जितनी लॉन्चिंग होती थी उससे अब कम हो रही है। इंटरनेट पे बाकी डिस्कवरीज में चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन इस सेक्टर में नीचे आ रही चीज़ें। और इस सदी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो उन्होंने किया है, ये लोग बोलते हैं कि जो स्पेसशिप्स पहले जाती थी ना, वो बहुत महंगी होती थी, $1 अरब, $2 अरब। तो एक एस्ट्रोनॉट जाता था उसमें, ऊपर गया, फिर उसके बाद वो स्पेसशिप ख़त्म, वो डिस्ट्रॉय करना पड़ता था। तो बोलते हैं कि हमने पहली बार ऐसा स्पेसशिप बनाया है, एक छोटा सा रॉकेट का लॉन्च करके दिखाया, यूट्यूब में उसका वीडियो भी है, जो जाता है उसके बाद वापस आकर के रुकता भी है। बहुत बड़ी चीज़ है ये। बोलता है इसको सोचिए, अभी बताया कैसा होता है, अभी ऐसा होता है जैसे कि आप एक हवाई जहाज में बैठते हैं, हवाई जहाज आपको दिल्ली से बम्बई लेकर गया, उसके बाद बम्बई में उसको ख़त्म कर दिया। तो सोचिए आपके टिकट्स कितने महंगे होंगे। ठीक ऐसे ही, लेकिन कुछ किया होगा ताकि वो स्पेसशिप जाए और वापस आ जाए, कुछ चीज़ें की होंगी। तो कह रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर अभी भी इतनी इंटेंसिटी नहीं होती है कि आप इस फ्लो ऑफ लाइफ, जो ये दुनिया है, ब्रह्मांड है, इसकी एक अपने आप में ग्रेविटी होती है, हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है ग्रेविटी, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है, पता नहीं चलता। बहुत ब्यूटीफुल वीडियो देखा मैंने कुछ दिन पहले, एक बड़ा सा चादर लिया, सॉफ्ट चादर, उसको एक गोले टाइप में बांध दिया कोने कोने में, बीच में खाली था, उसमें आप कूद सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बीच में खूब मोटा सा 4-5 किलो का एक वजन डाल दिया, फिर उसमें छोटे छोटे छर्रे, इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े, ऐसे फेंका तो सक करके नीचे चले गए उस जहाँ वजन था। लेकिन उसके बाद एक और उन्होंने किया, दिखाया इन छर्रों को उन्होंने गोले में फेंका, तो ये छर्रे ऐसे ऐसे करके उसके पास पहुँचे जो सेंटर में लोहा पड़ा था। तो ये क्या था, धरती और सूरज की तरह। और बोलता है धरती और सूरज खाली ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे जाता है, वो ऐसे ऐसे सब सब फॉर्म्स में जाता है। कितने मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं उसको, आप यूट्यूब पे देखिएगा। अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी होती है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ऐसे ही इस दुनिया में, इस बॉडी में एक तरह का अट्रैक्शन होता है। जो भी मैं वही सोच रहा था कि क्यों लोग हैं जो बार बार पैदा होते हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता होगा। बोलता है अभी भी जो लोग कंप्लीटली फ्री नहीं हुए होते हैं, जस्ट नया नया उनको मिस्टिकल पावर आती है, अभी भी नया नया अपनी बॉडी से वो अलग हुए होते हैं, उनके बॉडी में पूरी तरह से इंटेंसिटी नहीं होती, इसलिए डेस्टिनेशन पर, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो अल्टीमेट गोल है, वहां तक नहीं पहुंच पाते। सच अ पर्सन फील्स दैट ही हैज अराइव्ड, और ऐसे लोगों को लगता भी है कि हम पहुंच गए हैं, एंड मेक्स अ शो ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस ऑफ ड्रेस, फिर वो धीमे धीमे अपने आप को साधुओं के कपड़े पहनाना शुरू कर देता है, एंड स्पीच, अपनी बातचीत भी चेंज कर देता है, बहुत से गुरु बन जाते हैं, एंड इन मेनी अदर वेज बिकॉज द एब्सोल्यूट नॉलेज एंड द डीप सोबरिटी ऑफ 7 सेंटर इज मिसिंग। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि अभी भी उसके अंदर में एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं पहुंचा है, और डीप सोबरिटी जो 7 सेंटर की है, डीप सोबरिटी मतलब होता है एक तरह का हम्बलनेस, एक तरह की अच्छाई, वो मिसिंग होती है, जो वहीं से आती है, 7 सेंटर से आती है। सम स्टार्ट फॉलोइंग और अ स्कूल और एन आश्रम, और कुछ ऐसे गुरुज भी होते हैं जो अपनी फॉलोइंग शुरू कर देते हैं, आश्रम बना लेते हैं। सम गेट एज बाई प्रोडक्ट्स सम लेसर पावर्स अटेंडेड ऑन अ जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट इज। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे, और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोज़ आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुँच जाएंगे। और हाँ, अगर आप टूनिट करते हैं तो ये वीडियोज़ हमेशा हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।